अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बर्मीज थाईलैंड स्टाइल के फ्राइड स्पैगेटी बना रही हूँ, टॉम यम फ्राइड स्पैगेटी ने कहते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें ये देखें अच्छी खासी क्वांटिटी में अदरक और लहसुन है। ये 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 12 से 15 जवे जो हैं लहसुन के हैं, बड़े वाले। ठीक है, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी और इसे मतलब फ्राई होने देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जैसे ही आपका लहसुन अदरक हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो, आप उसमें ये 1 कप प्याज थी चॉप, ये मिला लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे और फिर इसमें आपने जो भी मतलब मीट मिलाना है, फिश या प्रॉन्स, मतलब बोनलेस फिश जो होती है वो, या प्रॉन्स, लेकिन बच्चे मेरे प्रॉन्स इतने शौक से नहीं खाते तो मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जो है ना, जब ये थोड़ी सी प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, जैसे ही प्याज आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो, आप उसमें ये 1.5 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर है और 3 जो है ये चिकन क्यूब्स हैं, ये ऐड कर देंगे। स्पाइसी बनते हैं बहुत ज़्यादा ये, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है, बच्चे इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो मैं मतलब नॉर्मल सा स्पाइसी रखूँगी। आप लोगों की अपने टेस्ट के ऊपर है कि अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है या मतलब कम स्पाइसी पसंद है तो आप उसी हिसाब से इसमें चिलीज ऐड करेंगे। ठीक है, और साथ ही हम इसमें फिर ये 1/2 kg बोनलेस मेरी जूलियन कट में चिकन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको चिकन को मतलब जब तक चिकन ही हमारी मतलब कलर अपना चेंज नहीं कर लेती जब तक कुक करेंगे, फिर बाकी सीजनिंग जो भी हमें इसमें डालनी है वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, जैसे ही आपकी चिकन कलर अपना चेंज कर ले तो आप इसमें जो है ये 2 कप के करीब जो है टमाटो प्यूरी है मेरी, ये इसमें मिला देंगे। ठीक है, अगर टमाटो प्यूरी नहीं है आपके पास तो आप 8-10 टमाटर लेके उसे अच्छे से ब्लेंड करके वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। स्किन आप रिमूव अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम ये डाल के नमक हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब डाली हुई हैं और कुछ सॉसेस भी डालेंगी, तो बस अब हम इसको मतलब बिल्कुल जैसे ये खुश्क हो जाती है ड्राई होने का इसका वेट करते हैं, फिर हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अच्छा, जैसे ही आपकी थोड़ी सी टमाटो प्यूरी जो आपने डाली थी वो थोड़ी सी मतलब मिक्सअप हो जाए, हल्का सा मतलब ड्राई सा हो जाए, तो फिर आप इसमें जो है ना अपनी सॉसेज ज़्यादा से मिला दें। वूस्टर शायर सॉस डाल रही हूँ मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, टू टेबलस्पून मेरी डार्क सोया सॉस है, ठीक है, और एक से 2 टेबलस्पून के करीब जो है हम अपनी सिरका मिला देंगे इसमें। ठीक है, और अब मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स मिला दूंगी। ये 1/2 बंद गोभी है, ज़रा अच्छी बड़ी मीडियम साइज की थी, 2 कैप्सिकम है, थोड़ी सी कहते हैं हरी प्याज की ये वाइट वाला पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मैं ऊपर से डालूंगी, और ये 1-2 के करीब मतलब तकरीबन 1 कप के करीब जो है ना गाजर होगी। तो वेजिटेबल टोटली आपके अपने ऊपर है कि आप कितनी खाना पसंद करते हैं। मेरे बच्चे वैसे वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो मैं ज़रा थोड़ी सी स्पैगेटी वगैरह में ही कभी कभी इस फॉर्म में उन्हें खिला देती हूँ। तो मतलब आपने कम डालनी है या ज़्यादा डालनी है टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी वेजिटेबल्स ऐड करनी है, ये भी बात नहीं। ठीक है, पहले आप थोड़ी सी ये वाली ऐड कर लें तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है। मशरूम से मिला सकते हैं आप इसमें, मेरे पास घर में नहीं रखे हुए थे करके मैंने नहीं डाले। मशरूम्स हैं, स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न्स, फ्रेंच बीन्स वगैरह जो होती हैं, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
दो मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। ज़रा सा मतलब ज़रा सी अच्छी सी मिक्स हो जाए थोड़ी सी सॉसेस में, फिर हम अपनी इसमें बकाया वेजिटेबल डाल के जो है स्पैगेटीज मिला लेंगे। अच्छा, ये दो मिनट ज़रा से हुए हैं, गोभी और हमारी गाजर हल्की सी सॉफ्ट हुई हैं, तो फिर हम अपनी कैप्सिकम और ये जो हरी प्याज है ये हम मिला लेंगे। मैंने थोड़ी सी इसे सॉफ्ट करी है कि वो मेरे बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और वैसी हो तो हटा देते हैं, तो इसे मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है और ये तो ऐसे ही रहिए। बस अब हम इसमें अपनी स्पैगेटीज मिक्स करेंगे। बस अब हम इसमें अपनी स्पैगेटीज मिलाएंगे। मैंने दो पैकेट बॉईल किए थे स्पैगेटीज के, अच्छा थोड़ी सी मिक्स कर लेते, फिर हम इसमें और बाकी जो अपनी स्पैगेटीज रह गई है आप उन्हें डाल के ताकि सारी स्पैगेटीज में अच्छे से सारा इसका जो है ना मसाला मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये हम बाकी अपनी और स्पैगेटीज डालेंगे इसमें। बस अब ये डन है, थोड़ी सी हम अपनी स्पैगेटीज को मिक्स करेंगे और फिर इसे डिश आउट करेंगे। अच्छा, मैं स्पैगेटी के साथ एक जो है ना थाई चिली सॉस बना रही हूँ, बहुत स्पाइसी सी होती है। अच्छा, ये थोड़ी सी प्याज भी है, दो छोटे साइज की प्याज थी, समझे एक कप के करीब, एक से डेढ़ कप के करीब जो है ना ये प्याज है। स्लाइस कर लें या रफली चॉप कर लें, कोई इतना नेसेसरी नहीं, क्योंकि हम ज़रा सा इनको सौते करके थोड़ा सा हल्का सा स्मोकी फ्लेवर से अंदर ज़रा सा ला के जो है ना इन सबको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, ये जो है 15 से 18 या 20 के करीब में हाथ से जो है लहसुन के जवे हैं, ये भी साफ हैं, सबको हमने अच्छे से जो है ना रोस्ट करना है, फिर हम इसे वो करेंगे ग्राइंड करेंगे। ठीक है, थाई चिलीज़ अगर आपको मिल जाती हैं कहीं से अवेलेबल हैं तो ठीक है आप यूज़ कर लेगा, थाई चिलीज़ नहीं है आपके पास तो आप जो है अपनी रेगुलर जो किसी भी लाल मिर्च हैं वो कलर के लिए और थोड़ी सी कुटी भी लाल मिर्च हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं भी इस वक्त वही यूज़ करूँगी, तो ये ज़रा अच्छे से रोस्ट हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ चिली की क्वांटिटी के इसमें कितनी जाएगी। अच्छा, ये देखें हल्का हल्का सा कहीं कहीं से रोस्ट होना शुरू हो गया, तो इसमें ये देखें मैं 4 टेबलस्पून जो है ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 2 टेबलस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये दोनों मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, ये मैंने 1 कप के करीब जो है ना फिश ली है, इसके कहते हैं बोन्स निकाल लिए मैंने, इससे ज़रा सा फ्राई करेंगे हम। वैसे तो ये वैसे भी फ्राई हुई भी थी लेकिन हमने इसके मतलब छोटे छोटे से पीसेस करके जो है ना इसको अच्छे से ज़रा सा फ्राई करेंगे। इसमें जो है वो ड्राई फिश या ड्राई श्रिम्प्स या प्रॉन्स जो है ना वो डलते हैं, मार्केट में ईजीली अवेलेबल हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये मतलब रेगुलर फिश रखी थी तो मैंने कहा इसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से जो है ना फ्राई करेंगे थोड़ा सा और फिर इसे भी हम अपने उसी मिक्स में मिला लेंगे। देखना हमें फिश को जो है ना ये देखें आप कितनी क्रिस्पी सी हो गई है, अच्छे से फ्राई करना है इसको 3-4 मिनट तक सारे छोटे छोटे पीसेस करके ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, बस अब हम इसे निकाल लेंगे। अच्छा, ये देखें जो हमने सारी कहते हैं फ्राई की थी चीज़ें वो हमने इस बाउल में निकाल दी हैं। फिश है इसमें, फ्राइड अनियंस है और गार्लिक है, ठीक है, और रेड चिली मतलब पिसी हुई और कुटी हुई दोनों है। ठीक है, अब हम इसमें एक चिकन क्यूब्स मिलाएंगे। ओरिजिनली तो श्रिम्प पेस्ट डलता है इसके अंदर लेकिन अभी हमारे पास श्रिम्प पेस्ट नहीं है तो हम ये यूज़ करेंगे चिकन क्यूब। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा जो है इमली का पल्प मिला दूंगी मैं, गाढ़ा गाढ़ा सा।
बीज नहीं जाने चाहिए, और इन सबको फिर हम जो है ना ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, वो सारा जो हमने पेस्ट बना लिया था लहसुन का, प्याज का, फिश का और चिकन क्यूब जो इसके अंदर एक गई थी, और कहते हैं क्या गया था इसमें, इमली का पेस्ट, ठीक है, हाफ कप जो था वो इमली का पेस्ट था, ठीक है। अब हम इसमें एक टेबल स्पून जो है वो विनेगर डालेंगे, वही थोड़ी सी अपनी इसमें डार्क वाली सोया सॉस जाएगी, तीन टेबल स्पून के करीब सोया सॉस चली गई है। ठीक है, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ये क्वार्टर कप के करीब ऑलिव ऑयल डाल दिए इसमें, इसके बस अब इसे अच्छे से मिक्स करके जो है हम निकाल लेंगे। ये हमारी थाई चिली पेस्ट रेडी है, इसको मतलब बहुत सारी डिशेस के साथ आप पास्ता वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पास्ता के साथ, सूप्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस अब हम इसे निकाल लेंगे। अच्छा, ये हमारे फ्राइड स्पैगेटीज बिल्कुल डन हो गए, डिश आउट भी हमने कर लिया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनते हैं। साथ में मैंने आपको थाई चिली सॉस जो बताई है, ये मतलब इसके साथ भी आप मतलब अभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह की सॉस है कि जिससे आप बनाकर रख सकते हैं और ये आपकी डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल हो सकती है। आप खाकर देखेंगे तो आपको इसके टेस्ट का आइडिया होगा, बहुत ही मज़े की बनती है। स्पैगेटीज भी बहुत मज़े के मतलब बहुत अच्छे टेस्टी बने हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी से। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।